गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए तो आज जो है ये मैजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश, इसमें बेसिक कंसेप्ट हम लोग जानेंगे। इसमें जो है सबसे पहले हम लोग जो छोटे छोटे शब्द बनते हैं, ठीक है, उसके बारे में जान लेते हैं कि वह जो है उसका इंग्लिश क्या होता है, उसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे। ठीक है, जैसे मैं लिखा हो कि आज ही शाम में, ठीक है, या आज ही सुबह में, तो क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में। ठीक है, तो इस तरह के वाक्यों को आज ही सुबह में, आज ही शाम में, शायद ही, यूं ही, बार बार, ऐसे वाक्य जो है छोटे छोटे हम लोग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, फिर से, जरा फिर से कहो, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हम लोग अक्सर, छोटे छोटे शब्दों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं जिसे बोलने में थोड़ा हेजिटेशन होता है। तो आज उसी को हम लोग जानेंगे बेसिक कंसेप्ट के माध्यम से। तो चलिए लिखते हैं पहले, आज ही शाम में। ओके, चलिए सेंटेंस में दिया रहा है कि आज ही शाम में, तो क्या बना देंगे इसका, क्या बोलेंगे, दिस वेरी इवनिंग आज ही शाम में, दिस वेरी इवनिंग। ओके, ऐसे कहना हो कि आज ही सुबह में दिस वेरी मॉर्निंग। इस तरह के वाक्यों का हम लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग बोलने में हेजिटेशन होता है। जैसे इसी सप्ताह में क्या बनाएंगे, इसी सप्ताह में, तो क्या बोलेंगे इसको, दिस वीक इसी सप्ताह में बोलना होगा, तो कैसे बोलेंगे, दिस वीक। चलिए तो इसी तरह का एक और वाक्य देखते हैं, जैसे एक साथ ही, ठीक है, एक साथ ही, तो क्या बना देंगे इसका, एक साथ ही, तो इसका क्या बनाएंगे, एट द सेम टाइम। एक साथ ही या एक ही साथ एट द सेम टाइम, इस तरह से हम लोग वाक्यों को बनाएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस इसका आ जाता है, इसका इसके बाद से ऐसे ही वाक्य हम बोलेंगे, जैसे एक एक करके या बारी बारी से क्या बना देंगे इसका, एक एक करके या बारी बारी से, तो वन बाई वन एक एक करके। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है, यदि दिया रहा है वाक्य में बारी बारी से, तो इसका बनाएंगे वन बाई वन। नेक्स्ट सेंटेंस है अब से, यदि वाक्य में रहा है कि अब से, तो क्या बना देंगे इसका, अब से, ठीक है, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स अब से,
क्या बोलेंगे, फ्रॉम नाउ ऑन वर्ड्स, अब से, ओके। इसी तरह से मान लीजिए एक और वाक्य आता है, इस तरह के एक और वाक्य आता है, यहां तक की, यहां तक की, तो क्या बोलेंगे, यहां तक की। ऐसे वाक्य यदि आ रहे हो बोलने में कि यहां तक की, तो कैसे इसका इंग्लिश बनाएंगे, यहां तक की का इंग्लिश क्या कर देंगे, सो मच, सो मच, सो सो मच, सो दैट, सो मच, सो दैट, यहां तक की, ठीक है ना। इसके बाद से शायद की, यदि वाक्य रहे शायद ही, शायद ही, ओके। यदि रहे वाक्य की शायद ही, तो क्या बोलेंगे इसका, सेल्डम और नेवर, सेल्डम कह देंगे या नेवर, सेल्डम और नेवर, शायद ही। इसका एक और बना सकते हैं, सेल्डम इफ एवर, सेल्डम इफ एवर, ये दो दो तरह से इसका इंग्लिश हम बना सकते हैं, शायद ही, ठीक है ना, सेल्डम, सेल्डम इफ एवर, या सेल्डम और नेवर, दोनों से शायद ही का इंग्लिश हम बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से वाक्य दिया रहा है बल्कि, ठीक है, बल्कि या उल्टे में, बल्कि या उल्टे में, देखिए वाक्य को, बल्कि या उल्टे में, तो क्या बना देंगे, ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑन द कॉन्ट्रेरी, बल्कि उल्टे में, ठीक है ना, ऑन द कॉन्ट्रेरी, ठीक है ना। इसके बाद से इसी तरह के वाक्य आते हैं, जैसे मान लीजिए कहा जाए कि अब से कुछ ही क्षणों में, अब से कुछ ही क्षणों में या पलों में, क्षण या पल एक ही चीज है, अब से कुछ ही क्षणों में या कुछ ही पलों में, तो क्या बना देंगे, इन ए शॉर्ट, इन ए शॉर्ट वाइल फ्रॉम नाउ, इन ए शॉर्ट वाइल फ्रॉम नाउ, इन अ शॉर्ट वाइल फ्रॉम नाउ, अब से कुछ ही पलों में या क्षणों में, ठीक है। तो ऐसे वाक्य जो है हम लोग बोलचाल की भाषा में अक्सर इस्तेमाल करते हैं, इसका प्रैक्टिस करना हमें अति आवश्यक है। थोड़ा सा इसके लिए आप वक्त निकालें और इसको अपने प्रैक्टिस में लाएं, ठीक है, सियोर ही आप अंग्रेजी बोलना सीखेंगे, ठीक है। तो ये कितना पसंद आया आप मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में जाकर कि आपको इससे कितना समझ आ रही है, और यदि इस तरह के और भी जो है आपको जो है इंग्लिश में स्पोकन के क्षेत्र में जो है कुछ और जानना चाहते हैं, कुछ और अपने तरफ से आप बताएं मुझे, मैं उस तरह का भी प्रयास करूंगा। यदि ज्यादा से ज्यादा कमेंट आता है तो मैं प्रयास करूंगा कि उस तरह का भी वीडियो आप लोगों तक पहुंचाऊं। चलिए तो आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।